मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा बाईपास टोल नाके के नजदीक एसके रेसिडेंसी के पास में एक बल्गर सीमेंट की गाड़ी रोड के किनारे ही खड़ी की थी और इसमें एक चोरी की घटना सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि मुमरा बाईपास पर ड्राइवर ने बल्गर सीमेंट की गाड़ी खड़ी की थी और उसमें केबिन में उस गाड़ी में जो है एक सहायक ड्राइवर असलम सोया हुआ था, जबकि जो ड्राइवर है मोहम्मद शौकत उर्फ राजा ये अपने दोस्त के रूम पर चला गया था। ये पूरी वारदात कल हुई है यानी कि 22 अप्रैल को। शौकत उर्फ राजा ने बताया कि सुबह के वक्त में दो लोग आए और गाड़ी का शीशा हटाकर गाड़ी के केबिन में घुस गए और उसके बाद अंदर जाकर दरवाज़ा भी खोले और एक बैग इस गाड़ी में रखा हुआ था जिसमें करीब 18,000 रुपये कैश और लाइसेंस कुछ ज़रूरी कागजात थे और उस बैग को गाड़ी से नीचे खड़े हुए एक चोर को गाड़ी से उस बैग को पकड़ा दिया। हालांकि बैग देते हुए ये सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुआ है, ये सीसीटीवी फुटेज में दिखाई भी दे रहा है मगर ये फुटेज क्लियर नहीं है क्योंकि काफ़ी दूर गाड़ी खड़ी थी और ये फुटेज जो है मोबाइल से लिया गया सीसीटीवी का, इसलिए इसमें साफ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन इतना दिखाई दे रहा है कि किसी ने गाड़ी से नीचे खड़े हुए लड़के को बैग पकड़ाया है। हालांकि इस घटना के बारे में इन लोगों ने पुलिस में शिकायत भी नहीं दर्ज करवा पाई है क्योंकि सुबह जब ये चोरी की वारदात हुई तो ड्राइवर शौकत उर्फ राजा को जो सहायक ड्राइवर जो केबिन में सोया था असलम उसी के ऊपर शक था कि हो सके इसी ने चोरी कराया हो। सुबह से शाम तक असलम से ही ये लोग पूछताछ करते रहे और आखिरकार जब असलम ने किसी तरह से ये बात नहीं कबूली कि उसने चोरी किया या नहीं किया है, उसका साफ कहना था कि मैं सोया था लेकिन चोर आए चोरी करके चले गए। उसके बाद रात में करीब 8-8:30 बजे के वक्त ये सभी लोग मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचे शिकायत दर्ज कराने के लिए लेकिन ये शिकायत दर्ज नहीं करवा पाए। वहीं इस चोरी की घटना को लेकर कुछ भी कह पाना बड़ा ही मुश्किल है कि आखिर जो चोरी हुई है उसमें किसका हाथ है, क्या वाकई में कोई चोर आया जो चोरी करके चला गया या फिर जिस तरह से ड्राइवर मोहम्मद शौकत उर्फ राजा बता रहे हैं कि सहायक ड्राइवर असलम पर उन्हें शक था, क्या असलम ने चोरी किया या चोरी करवाया ये कह पाना बड़ा ही मुश्किल है। हालांकि इस पूरे मामले में जो सहायक ड्राइवर असलम है उसका कहना है कि ना उसने चोरी किया है और ना ही उसने चोरी करवाई है। इस पूरे मामले में जो ड्राइवर है मोहम्मद शौकत उससे भी हमने बातचीत की और जो सहायक ड्राइवर है असलम उससे भी बातचीत की, क्या दोनों लोगों ने कहा है सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद राजा हुआ। आप ड्राइवर गाड़ी? हाँ गाड़ी का ड्राइवर हुए। चोरी हुई है ये आपका जो सहायक ड्राइवर ये बता रहा है इसमें से चोरी हुआ, क्या क्या चोरी हुआ? इसमें से चोरी हुआ है पहली बात तो मैं गाड़ी यहाँ 12 बजे खड़ी किया था, फिर मैं गया रूम पे खाना उना खाने के लिए, खाना उना खा करके उसके बाद इसको गाड़ी में भेज दिया मैं। ये करीब 2 बजे गाड़ी में आके सोया है, गाड़ी लॉक करके। सुबह 4 या 5 बजे के बीच में ये गाड़ी चोरी हुआ है, उसमें मेरा कुछ भी गाड़ी से सिर्फ बैग निकाला है, बैग निकाल करके और उसमें 18,000 रुपया करीब था और लाइसेंस था और कपड़ा लत्ता था जो भी था नया नया सब, और एक मोबाइल था, एक चेन है और एक अंगूठी है, ये सब जो है लेके चला गया और चलान और बैग को गाड़ी के पीछे फेंक दिया। व्हाइट वगैरह हाँ कंप्लेन करने के लिए गए, वहाँ से कंप्लेन सुन नहीं रहा है कुछ, पुलिस वाला मानने नहीं। कब गए थे आप? वो मैं 8 बजे गया हूँ, 10:30 बजे वहाँ से आया हूँ। शाम को? शाम को। सुबह चोरी सुबह में हुई तो आप रात में 8 बजे क्यों गए? इसलिए गए ना कि आपस का लड़का था, संग शादी का लड़का था, इससे पहले मेरे साथ एक बार 200-400 रुपया का आपसे किया हुआ था, इसके लिए जो है मैं इसमें डाउट किया, मैं बोला इसको शाम तक का टाइम दिया कि अगर कुछ किया है या करवाया है तो तू बता मेरे को, अगर नहीं तो फिर लास्ट में मैं कंप्लेन करूंगा तुमको चौकी में लेके जाएगा, मारेगा, फालतू में कोई फायदा नहीं होगा, जो है वो तू सच्चाई मेरे को यहाँ बता। लेकिन लास्ट में सच्चाई वाला लास्ट में बताया, बोला कि मैं नहीं लिया तो नहीं लिया। लिया या करवाया है? मैंने लिया नहीं करवाया सर, मेरे को मालूम रहता था ना तो मैं इनकी गाड़ी में रुकता ही नहीं था पहली बात तो। अच्छा ये बताइए कि जब आप कहाँ गए थे यहाँ पर, ये सोया था गाड़ी में आप कहाँ? अब मैं दोस्त के रूम पे गया हुआ था। तो सिर्फ पैसे वैसे यहाँ पर क्यों रखे आप अपने? पैसे सर गाड़ी मेरा घर द्वार है तो क्या करेंगे अपने पास? रूम के पास आप गए तो पैसे लेके जाना चाहिए ना। रूम अपने पास रूम नहीं है ना सर, 10 मिनट 1/2 घंटे 1 घंटे के लिए सोने के लिए गए ना आपके? हाँ सोने के लिए नहीं गए थे, ऐसे घूमने के लिए गए थे। 3 बजे तक हम लोग वहाँ बैठे हैं, उसके बाद जब आँख लेटे ना तो आँख लग गया मेरा,
तो मैं आ नहीं पाया, सुबह 6 बजे मैं उठ के आया हूँ। सुबह 6 बजे क्या बोला आपने? 8 बजे रात में गए तो पुलिस ने क्या वो क्या बोला? सुबह क्यों नहीं आया? नहीं नहीं, हम दिन बोलता है सुबह क्यों नहीं आया तुम, जो पुलिस का मोस्टा माना चाहिए बोले। वो क्या बोले हमको कि सुबह में आनी चाहिए? मैं बोला आपस का लड़का था सर, इसके लिए मैंने नहीं आया कि मैं इसको दवाई बोला कि शाम तक का टाइम दे रहा, अगर तू किया है या किसी से करवाया है तो बता कि आपस में रह जाएगा, नहीं तो अगर ये बात आगे जाएगी चौकी तक जाएगी तो बात बढ़ जाएगा। यानी कि आपको इसके ऊपर भी शक था? हाँ, इसके ऊपर भी शक था, इसके लिए मैं थोड़ा सा सोच समझ करके कदम बढ़ाया हूँ। सीसीटीवी फुटेज कहाँ से लिया आपको? ये अपने इसके बिल्डिंग के सामने से लिया, ऑफिस से लिया, ये सामने ऑफिस दिख रहा है ना, यहीं से लिया। सामने यहाँ कैमरा है, ये सामने ऑफिस है, यहीं से लिया। क्या नाम है तुम्हारा? अच्छा, कैसे उसमें आप सोए थे? कैसे? मैं इधर सोया था, ये सुबह ये एक अढ़ाई देर अढ़ाई या दो के बीच में सोया मैं, तो मैं बराबर लॉक करके सोया था गाड़ी। आप कैमरे में चेक कर सकते हैं, कैमरे में दिख रहा है। लॉक करने के बाद मैं सोया था, इनको फोन करके मैं सोया था, भाई आप कब आ रहे? तो भाई बोले मैं आ रहा हूँ 10-15 मिनट में। बोले तू लॉक कर ले परसे का ध्यान से, बोले सो चोरी समारी होती बोले। जब मैं परसे लॉक करके सो गया, जब मैं आँख खुला ना मेरे को सुबह में, तो मैं फोन ढूंढा पहले आजू बाजू में, लाइट भी चालू नहीं किया। अब जब फोन नहीं मिला ना मेरे को, तो मैं लाइट चालू किया तो सामने कांच देखा ना, तो मक्का वक्का हो गया सुबह सुबह, बोले सब क्या हो गया। कांच खोल के कांच है ना, ये खुला हुआ था पूरा, खाली रबर ब्लैक वाला लगा हुआ था यहाँ पे, और कुछ भी नहीं था, इधर बैग भी नहीं था। तो मैं और देख के मैं साइक हो गया, मैं यहाँ पे आया सीधा इसी बैठ गया साथ में, कुछ समझ में आता क्या करूँ। फिर 6-7 जैसे हुआ ना, उसे मैं नीचे उतरा, भाग के गया घर पे, घर पे से मोबाइल लिया, फोन किया इनको, भाई बोला भाई ऐसी ऐसी बात हो गई है।